प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनावी रण में शंखनाद किया है। जिस समय वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर हमला बोल रही थी, ठीक उसी वक्त राजस्थान से आए हुए फरियादी उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। ये संविदा पर कार्य करने वाले अभ्यर्थी थे। प्रियंका ने कुछ दिन पहले ही योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि संविदा पर भर्ती युवाओं का अपमान है। अफगानिस्तान में राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। दानिश सिद्दीकी दिल्ली के रहने वाले थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है कि दानिश सिद्दीकी की मौत कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हुई, जहां वे मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उठाए सवाल, कहा यूपी में 153 विधायकों के दो से ज्यादा बच्चे। आप नेता संजय सिंह ने यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में 153 विधायकों के दो से ज्यादा बच्चे हैं। बसपा के निलंबित विधायक ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को बताया वोट कटवा पार्टी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए तैयारियां करने में अभी से जुट गई हैं। इसी को लेकर सियासत का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आजमगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पुलिस और योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पिछले महीने 29 तारीख को दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने गांव में जाकर लूटपाट और बर्बरता की। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ी, 33 साल पुराने मामले में आरोप तय। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। 33 साल पुराने एक मामले में अदालत ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिए हैं।